मैं तुझे भूत दिखता हूँ लंडूरे। तुम तुम हो वो दाढ़ी वाला। अबे दाढ़ी वाला होगा तेरा बाप, मैं हूँ चरण, आजा मेरी शरण। अच्छा चरण। अबे धीरे बोल, यहाँ बहुत सारे भूत पिशाच गहरी नींद में सो रहे हैं, उन्हें भूल कर भी मत जगाना। एक बात बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो यहाँ रात बिताने आया था। हाँ रात बिताने के लिए? हाँ इनमें से एक भी जाग गया तो तेरी पतलून गीली हो जाएगी। क्या यहाँ सब मरे लोगों की आत्मा है? सही समझा, चल मेरे साथ आ, बताता हूँ। तो फिर छोड़ो, मैं कहीं और जाता हूँ रात बिताने, कहीं और। अबे बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और यही वो वक्त होता है जब वो भूत पिशाच बाहर तांडव करते हैं, इसलिए बाहर मत जा। आजा, मैं तेरे रहने का इंतजाम कर दूंगा। नंडूरे, तुझे अभी भी डर लग रहा है क्या? कितना डरावना है, आखिर इतना बड़ा मंदिर खंडहर कैसे बन गया? पहले ये खंडहर नहीं था, किसी जमाने में एक रजवाड़े का मंदिर था। एक रात यहाँ पिशाचों ने हमला किया और सबको मौत के घाट उतार दिया। हाँ। यहाँ के गांव वालों ने तांत्रिकों की मदद से उन भूत पिशाचों पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन पिशाचों ने उस गांव को लाशों में तब्दील कर दिया। तांत्रिकों और इस मंदिर के पुजारियों को उन पिशाचों ने मारकर उनकी आत्माओं को चूस लिया। तो फिर तुम क्यों रुकना चाहते हो? तुम भी बेघर हो क्या? ये फालतू के सवाल मत पूछ और अपनी जुबान पर लगाम लगा। पकड़, यही तेरा कमरा है, सो जा। हाँ?